हम विशेष रूप से मंत्र हीलिंग करते हैं। मंत्र हीलिंग क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है। मंत्रों के द्वारा किसी भी चीज का समाधान करना, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो। पिछले 21-22 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो बड़े रोचक केसेस हैं, बिल्कुल बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं। तो आज तक क्या होता है, बेसिकली तो हम सारे अपने केसेस को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। अब कुछ अपने वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, उसमें भी हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको वो चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये देखें और समझें कि मंत्र हीलिंग से क्या क्या हो सकता है। मंत्र हीलिंग अपने आप में एक सर्वव्यापी है, जैसे भगवान एक सर्वव्यापी होते हैं, हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो भी सर्वव्यापी होती है चीज़। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हम श्री घंटागण महावीर के साधक हैं और उन्हीं की कृपा से आज तक सारे कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके की घटनाओं पर हम काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। एक वीडियो में तो ये सारी चीज़ें पूरी हो नहीं सकती हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके 4-5 एपिसोड्स बनाएं और आपको बताएं, जिससे आपको जानकारी में मिलेगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि हम गुजरात जाते हैं और वहाँ पर श्री मणिभद्र जी का भी मंदिर है, आगलोट करके एक जगह है, वहाँ पर हम जाते हैं। एक बार वहाँ पर हम दर्शन कर रहे थे तो अचानक ही हमारे पीछे से थोड़ी सी रोने की सी और चिल्लाने की सी आवाज़ आई। दर्शन करते करते हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने भी देखा पीछे कि एक सज्जन, उनको शायद माइनर हार्ट अटैक से आया था और वो वहीं पर एकदम से नीचे गिर पड़े थे। सब लोग चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस बुलाओ और ये करो और वो करो, सारी चीज़ें जो होती हैं नॉर्मली। तो मैंने भी पीछे पलट कर देखा, मैंने उनके ऊपर हाथ रखा, जिन मंत्रों से हम हीलिंग करते हैं हमने वो मंत्र करे और विद इन 2 मिनट्स, आई थिंक 2 या 3 मिनट लगे होंगे, और वो व्यक्ति नॉर्मल हो गए, उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं रिलैक्स हूँ। उसके बाद वो सारी चीज़ थोड़ी सी शांत हुई। उसके बाद उनका परिवार ने जो भी व्यवस्थाएं करी होंगी वो करी। तो ये अपने आप में एक चमत्कारिक चीज़ थी। उसके बाद वहाँ पर जो भी लोगों ने हमसे बात करी और जो सारे डिस्कशंस हुए, तो बट किसी और के लिए बड़ी कौतूहल वाली चीज़ थी, किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर हाथ रखा और मंत्र पढ़े और वो आदमी उठकर बैठ गए। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो रेगुलर में हमारे साथ हम करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस करा था मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो। आप उसको यूँ समझें कि 2 परिवार, एक परिवार में एक लेडी की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा दूसरे परिवार में एक लड़की रहती है, उसके शरीर में आ जाती है। उसके बाद जब हमने वहाँ पर उसको शुरू करा और जब उस सब चीज़ों को करना शुरू करा, तो वो आत्मा एकदम से सामने नहीं आती हैं। लेकिन जब वो आई और जब सारी चर्चा करी, तो ये मैं आपको बात की चीज़ पहले बता दी है मैंने कि हमें कैसे मालूम पड़ी ये सब चीज़ें। जब हमने उनकी पूरी हीलिंग करी और हीलिंग के द्वारा उसकी उस आत्मा को बाहर लेकर आए, उसने अपने मुँह से बताना शुरू करा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी मृत्यु कैसे हुई थी और मैं इसके शरीर में आकर अपने परिवार जन में जो भी रहे हैं उनसे मैं बदला लेना चाहती हूँ, और वो छोड़ने को तैयार नहीं थी उसको। और वो जो लेडी थी जिसकी आत्मा थी उस लड़की के शरीर में, उसके भी कोई, जब बातचीत में मालूम हुआ मेरे को उसी के साथ में कि उसका कोई 1.5 साल का बच्चा है। तो हमने अपनी तरफ से काफ़ी क्रिया करी, मंत्र हीलिंग के द्वारा सारी वर्किंग करी। यहाँ तक कि आप यकीन करेंगे, जब वो हमारे यहाँ के मंत्र हीलिंग चैम्बर में बैठकर जब हम उसकी हीलिंग कर रहे थे, तो गुस्से में आकर उसने जिस तरह से दांत भींचे और अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ करी, उसकी वजह से बिल्कुल किसी मांस की सड़न जैसी बदबू आने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं इसको चबा जाऊंगी, है ना, इस तरीके की घटना हुई। आप सोच सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति होगी। बहरहाल तमाम उसकी धमकियाँ, उसकी सारी चीज़ों के बीच हमने काम करा और उस लड़की के शरीर से उस आत्मा को मुक्त करा, और वो लड़की आज की तारीख में बहुत अच्छी है, बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई है। तो क्या होता है कि लोग बहुत सारे बोलते हैं कि साहब ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र आत्मा होती हैं कि नहीं होती हैं, तो अल्टीमेटली वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी ज़माने में आज से हो सकता है 25 साल पहले हम भी नहीं मानते थे, लेकिन जब से इस तरीके के काम करना शुरू करें तो हमने भी उन सब चीज़ों को स्वीकार करा। और जहाँ भगवान सपोर्ट करते हैं तो आपकी रक्षा सुरक्षा भी होती है। मैं आपको सबसे पहले एक घटना बताता हूँ, जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा ही रखा था और जब वो घटना मेरे साथ हुई थी, तो आज से कोई 22 साल पहले की बात होगी, जब एक लेडी के ऊपर से एक आत्मा को प्रभाव को मैंने उतारा। मैं उस टाइम नया था, तो अभिमन्यु की तरह मुझे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने काम करा। तो उस औरत के उस शरीर में जो आत्मा थी वो उसमें से निकल कर मेरे शरीर में आ गई, तो बिल्कुल अभिमन्यु वाली स्थिति थी। मैं किसी भी तरह से, पास में मुझे हनुमान जी का मंदिर दिखा, मैं वहाँ गया और साष्टांग लेट गया वहाँ पे जाके, और विद इन 2 या 3 मिनट्स मैं बिल्कुल क्लियर हो गया।
तो वो मेरे जीवन की एक पहली घटना थी जिसमें मेरा डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ था किसी प्रेतात्मा के साथ। अब उसके बाद आजकल तो ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, ठीक है ना, इंसानों से ज़्यादा इजी काम हो जाता है प्रेत आत्माओं के साथ में, वो चाहे जिन्न जिन्नात हों, भूत हों, प्रेत हों, चुड़ैल हों, जिनको जिस भी भाषा में कहा जाता है। तो ये अंधविश्वास जैसी चीज़ें नहीं हैं, हम तो बहुत ही सात्विक तरीके से काम करते हैं, हमारे यहाँ हीलिंग चैम्बर में बैठाते हैं, उन सब चीज़ों का मंत्रों के द्वारा हीलिंग करते हैं, काम करते हैं, फिल्मी जैसा कुछ भी नहीं होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है ना, क्योंकि हम हमारा रहन सहन और हमारा तरीका भी काम करने का बिल्कुल अच्छे किस्म का रहता है सारी चीज़। तो इस तरीके की जो भी और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बीमारी से संबंधित घटना का भी आपको जिक्र करता हूँ, हम आगे और भी और वीडियोस में और भी घटनाओं के बारे में बताएंगे। एक व्यक्ति हैं, उनके जबड़े के हिस्से में, दांत वाले हिस्से में कुछ हर कभी अमावस्या के दिन में उनके यहाँ पे फोड़ा हो जाया करता था, फिर ये पूरा हिस्सा फूलता था उनका। उन्होंने काफ़ी शहरों में गए होंगे, काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए होंगे, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया होगा, उनको ये बताया गया कि आपका जबड़ा काटना पड़ेगा। जब वो मेरे पास आए थे तब ये सारी चीज़ें सामने आईं, हमने उनकी मंत्र हीलिंग शुरू करी और लगभग हम वीक में 2 या 3 बार मंत्र हीलिंग लेते हैं, इस तरह से लगभग 2 या 3 महीने का समय लगा हमको पूरा करने में, इस बात को होगा लगभग 3 साल। वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हैं, आज तक उनके जबड़े में अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ काटना नहीं पड़ा, कोई और अलग से एलोपैथी के किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा। तो ये मानता हूँ एक बड़ी कहावत भी है ना जो पुराने लोगों ने बनाई है कि जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है, तो वो भगवान की दुआ, मंत्रों की दुआ उस तरह से सारी चीज़ों पे, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो एजुकेशनल हों, बिजनेस की हों, वो सब दूर होती हैं और हम करते हैं रेगुलर में, कर रहे हैं और आज तक पिछले 22 सालों से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ओके, तो बात करेंगे हम अपने सेकेंड वीडियो में।